इटावा के प्राइमरी स्कूल पर पुलिस वालों की टेढ़ी नजर पड़ गई है। यहाँ पर खाकी वालों ने बच्चों के हक पटाखा मारा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में एक प्राइमरी स्कूल पर जला ये ताला सब कुछ बयां कर रहा है। स्कूल के सारे कमरों पर पुलिस वालों का कब्जा है। क्लासरूम में गृहस्थी का सामान रख दिया गया। मजबूरी में ये बच्चे खुले बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। प्रिंसिपल से जब इस बाबत पूछा गया तब वो खुद निराश नजर आए। कब्जा नहीं है, उनकी प्रॉब्लम थी इसलिए कमरे में थोड़ा उनकी बिल्डिंग बन रही है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए थाने की जो पुलिस वाले हैं ये लोग थोड़ा रह रहे हैं। हमारे यहाँ क्लासेस पूरे हो जाते हैं इसलिए थोड़ा इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। उधर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी तो पहले नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा ये संज्ञान मामले को लाया गया है, तो इसमें अगर ऐसा है तो शीघ्र ही इसको हटवा करके और थाने में शिफ्ट करा दिया जाए। अब इसकी जांच करेंगे कि क्या क्यों इस तरह का काम किया गया। स्कूल पर गैर कानूनी कब्जा जमा कर पुलिस वालों ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये को सभी के सामने ला दिया है। नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन पुलिस वालों पर उनका महकमा कब और क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। उवैस चौधरी, APN, इटावा।